नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। डिप्लोमा इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश जल निगम के जनपद इकाई की एक आपातकालीन बैठक वाराणसी नगर में संपन्न हुई, जिसमें बीते 5 जून को नगर के लंका थाना क्षेत्र में जेई एवं ठेकेदार पर हुए हमले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एवं जल निगम कर्मियों को सुरक्षा आवंटित कराने की मांग की गई, जिसके तहत जल निगम के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। कर्मचारियों का कहना रहा कि जब तक जल निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यहां आकर हमारी सुरक्षा एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा नहीं दिलाएंगे, यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। कार्यक्रम लगभग चलता रहेगा और हम लोग एक समन्वय समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री के यहाँ आने पे 9 तारीख को हम लोग SDM प्रोटोकॉल के माध्यम से उनसे मिलना चाह रहे हैं। उसकी हम लोग पूरी तैयारी करके मुख्यमंत्री को आने के बाद हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे और हमारा कार्यक्रम एकदम चलता रहेगा। और जब तक हमें पूरी आश्वासन नहीं मिलेगी सुरक्षा की, तब तक हमारा कार्य स्थगन रहेगा। पूरे जिले में कार्य बंद किया जाएगा और प्रदेश स्तर से स्ट्राइक चालू रहेगी। वाराणसी में प्री मानसून ने दी दस्तक। जहां एक ओर तेज हवा एवं आंधी तूफान से कई सारे पेड़ गिर गए एवं आवागमन बाधित रहा, तो वहीं दूसरी ओर आंधी तूफान के साथ आई बारिश ने इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत की सांस दिलाई। यूं तो केंद्र की सरकार ने किसानों और गरीबों से जुड़ी तमाम योजनाओं की शुरुआत की है, मगर ये योजनाएं क्या किसी किसान या किसी गरीब तक पहुँच रही है या नहीं, इसकी जानकारी किसी ने आज तक नहीं ली। लगता है कि गांव का विकास प्रधान और VDA के भरोसे पर चल रहा, उसमें क्या काम हो रहा इसकी जानकारी किसी को प्राप्त नहीं हो पा रही। ऐसे में हिंद किसान टीम ने खुद देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गांव में मनरेगा योजना पर किए गए कार्य पर जानकारी हासिल करनी चाहिए, तो कहानी कुछ और ही देखने को मिली। वाराणसी स्टेशन से महज 12 किलोमीटर दूर राजा तालाब तहसील के ब्लॉक के इलाके में एक गांव है मातलदेई, जिसमें पिछले कई सालों से एक तालाब बनाकर उसके सुंदरीकरण का कार्य तो पहले मनरेगा के मजदूरों से कराया गया, जिसमें कुछ लोगों का पैसा 4 दिन का आया तो किसी का 10 दिन तक नहीं आया। सूर्या देवी, सूर्या जी, हाँ, आपने यहाँ काम किया? हाँ, कितने दिन काम किया? साहब वो हर काम कर रहा तो 4 दिन का पैसा आयल है, एप्पा करे है, सब पैसा एक को नहीं आया। कितना पैसा मिलता है? वह 175। क्या बोलते हैं प्रधान? प्रधान तो कहें कि चला मिली खाते में आई पैसा, अब याद तलाक उतर बाद 3 साल का दिन होगा। 3 साल पहले आपने काम किया? हाँ, मगर अभी तक पैसा नहीं मिला। नहीं, ये सब हमने खुद फरसा खाने है साहब, तन कहा कि मिली आज तलक पैसा नहीं मिला। गांव के प्रधान भी बदलने के कारण इन लोगों का पैसा अभी तक नहीं मिला। लोगों से बात करने पर लोगों ने बताया कि हम सभी प्रधान से जब भी कहते हैं तो उन्हें जवाब मिला, अपने खाते चेक करो। पहले ये तालाब मनरेगा के तहत खोदा गया था, पीछे 4 साल पहले खोदा गया था एक बार, जिसमें मजदूरों ने यहाँ काम किया था, उनको पूरी मजदूरी मिली थी। 3 साल पहले यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने मजदूरों से कहा कि चलिए इसका सुंदरीकरण करना है, मनरेगा के तहत काम होना है, आप चलिए काम करिए। मजदूरों ने यहाँ जी जान लगा के काम किया, एक एक मजदूरों ने करीब 8 से 9 दिन का काम किया, जिसमें से 4 दिनों का पैसा मजदूरों को मिला और बाकी दिनों का पैसा मजदूरों को नहीं मिला। उसके लिए हम लोगों ने कई बार ब्लॉक का घेराव किया, प्रधान से मिले, लोगों ने कहा कि इसका पैसा मिल जाएगा, लेकिन हुआ है वास्तविकता यह है कि अभी तक उन लोगों को पैसा, उनकी मजदूरी नहीं मिल पाई है। और जो पूरा खेल इसमें हुआ है वो देख के लगता है कि कहीं ना कहीं ये बंदर बाट वाला मामला है। बता दें कि मनरेगा में एक दिन के कार्य करने पर लेबर को 165 रुपये और मिस्त्री को 320 रुपये ही मिलते हैं। तालाब के सौंदर्यकरण को अब कोका कोला कंपनी ने अपने खर्च से बनवाने के लिए प्राइवेट मजदूरों का सहारा लिया है। उनके सुपरवाइजर से बात की तो उनका यही कहना रहा कि वो प्राइवेट मजदूरों से कार्य करा रहे। सुंदरीकरण हो रही तालाब के। तालाब की आपको मजदूर कहाँ से मिले? सर, मिले हमसे। प्राइवेट हैं या नरेगा की तरफ? नहीं, प्राइवेट हैं। कितना इन लोगों को पैसा देते हैं? लेबर को 320, मिस्त्री को 520। ये नरेगा की तरफ से काम नहीं कर रहे? नहीं, लेकिन ये इसके पहले नरेगा के लोगों ने काम किया था, अब इस समय कौन काम करा रहा है? सर, नरेगा को हमको ये पता नहीं है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज। नमस्कार।